वामा डिजिटल टीवी में आपका स्वागत है। भारतीय दर्शन में हिंदू पद्धति में घर गृहस्थी को चलाने के लिए, पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए अनेकानेक प्रकार के मंत्रों के बारे में वर्णन है, अनेकानेक सामग्रियों के बारे में वर्णन है कि यह करने से यह होगा, ये करें तो यह होगा। इसी में सबसे महत्वपूर्ण मोरपंख के बारे में वर्णन है। मोरपंख का नाम लेते ही अपने जीवन में भगवान कृष्ण का याद आ जाता है, भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि मोरपंख का संबंध भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से जीवन भर रहा। मोरपंख में एक विशेष क्षमता होती है, अगर घर में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, मकान में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, तो भगवान कृष्ण जी महाराज की एक बांसुरी युक्त मूर्ति रखा जाए अपने घर में, पूजन प्रतिष्ठा करें और मोरपंख को उनके सर पर रख दें, अथवा उनके चरण के पास रख दें, अथवा उनके हाथ के पास रख दें। आप अनुभव करके देखेंगे कि आपके जीवन में उन्नति का रास्ता खुलने लगेगा, परिवार में प्रेम होने लगेगा। अगर आपके जीवन में पति पत्नी के मध्य में अनेकानेक प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, अगर वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, तो भगवान कृष्ण का, राधे कृष्ण जी का आप ज्वाइंट मूर्ति मंगवावें बाजार से, उनका प्रतिष्ठा पूजन करवावें और मोरपंख को प्रत्येक बुधवार के दिन नया मंगा करके उनको चढ़ाते रहें, प्रत्येक बुधवार को पुराना हटाते रहें, उनको जो हटाए हुए मोरपंख को भी संग्रह करते रहें। आप अनुभव करके देखेंगे चंद महीने के अंदर पति पत्नी में जो भी मतभेद हैं वो दूर होने लगेंगे। अगर आपके घर में कीड़े मकोड़े सर्प बिच्छू का बहुत प्रादुर्भाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप नियम बनावें कि 2 महीने तक प्रत्येक 3 दिन में मोरपंख को अपने घर में शीशी में रख करके, गिलास में कहीं रख करके, किसी भी तरह से लोटे में रख करके या कहीं भी दीवार से चिपका करके आप रख दें। आप अनुभव करके देखेंगे घर से कीड़े मकोड़े सब हटने लगेंगे, घर से जितने भी सर्प बिच्छू का आगमन रुक जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बाधा आ रही है, मानसिक प्रॉब्लम है, अगर मानसिक रोगी होते जा रहे हैं या डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो मोरपंख को पूजन करके भगवान कृष्ण स्पर्श करवा करके आप घर से निकलते वक्त एक जेब में अपने मोरपंख रख लें। आप अनुभव करके देखेंगे चंद समय के अंदर, चंद दिनों के अंदर आपका डिप्रेशन का भाव, मानसिक रोग का भाव सब कुछ ठीक होने लगेगा और आपके जीवन में व्यवस्थित लाइफ का रास्ता खुलने लगेगा। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, तो भगवान कृष्ण जी महाराज से स्पर्श करवा करके मोरपंख को अगर पुस्तक में रख दिया जाए, तो आप अनुभव करके देखेंगे आपके बच्चे का पठन पाठन में, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगर व्यापारिक प्रतिष्ठान में जाने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो भगवान कृष्ण से स्पर्श करवा करके मोरपंख को अपने दुकान में रख दें, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में रख दें, अपने ऑफिस में रखेंगे। आप अनुभव करके देखेंगे वहां पर आपका मन लगने लगेगा और आपके जीवन में सफलता का रास्ता प्रशस्त होने लगेगा। मोरपंख को आशीर्वाद है कि जहां भी रहेगा वहां पर जीवन की प्रत्येक बाधा का समन करेगा, जीवन में प्रेम देगा, अपरत देगा, यशकृति देगा, सब कुछ व्यवस्थित होने लगेगा। बोले भगवान कृष्ण जी महाराज की जय हो।